आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम लोग पावर भी कहते हैं, इसको डिग्री भी कहते हैं और इसको इंडेक्स भी कहते हैं। क्या हम इससे किसी भी नाम से बंद बोलिए चारों में से किसी भी नाम से आप कर सकते हैं इसको। एक देखते हैं जिसे होता है 2^3 = 8। हम लोग करते हैं क्या, 2^3 = 8 का मतलब हुआ 2 × 3 = 8। इसमें इस 2 को हम लोग बेस करते हैं, 3 को पावर कहते हैं और इस 8 को 2^3 का वैल्यू कहते हैं। क्लियर? अब एक्सपोनेंट में कुछ रूल रेगुलेशन है जो आपको बता रहा है। पहला है इसमें x^m × x^n, ये होता है x^m+n। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि अगर दो संख्याएं तीन संख्याएं 4, 5, 10, 20 जितने भी हैं और सबके बीच में अगर मल्टीप्लाई है और सबका बेस यदि सेम है तो ये बेस लिख के इसके पावर को एड कर दो। जैसे x^n = x^n, दोनों का बेस सेम है तो पावर इसका क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, अर्थात x^n+n। और यहाँ आपको 2^3 × 2^4, दोनों का बेस यहाँ पे क्या है, 2 है, अर्थात ये हो जाएगा आपका 2^3 + 4 = 2^7। सेकेंड रूल है आपका x^m / x^n, यदि दोनों के बीच में डिवाइड का सिंबल है और दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अर्थात पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को माइनस कर देते हैं। लेकिन ये हो जाएगा आपका x^m − n। और एग्जाम्पल 2^7 / 2^5, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इस रूल के हिसाब से पावर घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2^7 − 5, दैट मीन 2^2। थर्ड है आपका x^m / n, जब पावर का पावर होता है तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन ये आपका हो जाएगा x^m × n, यानी कि x^mn। क्लियर? और एग्जांपल देख लीजिए 2^3 और इसका पावर यदि 4 है तो हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से 2^3 × 4, दैट मीन 2^12। क्लियर? फोर्थ रूल लिखिए, फोर्थ क्या है, xy^m यदि m है, इसका मतलब ये हुआ कि ये x का भी पावर m होगा और y का भी पावर m होगा। क्लियर? और एग्जांपल ले लीजिए 2 × 3 यदि 5 है तो ये हो जाएगा आपका 2^5 × 3^5। क्लियर? इसी प्रकार पांचवा रूल है आपका, यदि x/y^m अगर m है ये हो जाएगा, ये x का भी पावर m होगा और y^m होगा। और यहाँ पर ले लीजिए 2/3 यदि 5 है तो ये 2 का पावर भी 5 होगा और 3 का पावर भी 5 होगा। आपका किसी भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल का पावर यदि 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर नॉन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 5^0 अगर 0 किया जाए तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा, 5x^0 यदि 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा और 100 − 10^0 यदि 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है? नेक्स्ट है आपका, यदि कोई वेरिएबल या नॉन वेरिएबल, जैसे मान लीजिए एक्स है वेरिएबल है, यदि इसका पावर निगेटिव है, यदि इसका पावर निगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर देते हैं। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको x^1/x^3 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि 2^-5 है इसको आप लिखेंगे 1/2 × 5, मतलब इसका वैल्यू ऑफ करेंगे 2^5 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितनी बार,
फाइव टाइम्स अर्थात 2 2 4 टू जर में 2 2 4 4 टू जर 8 8 टू जर 16 16 टू जर 30। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 2/3 की पावर -5, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 की पावर 5। हो गया। एक एग्जांपल आपको बताते हैं एक्सरसाइज के लिए, साइज के लिए भी यहाँ पर आपसे क्या है कि इवैल्यूएट 5 to the power 8 into 5 to the power। क्या करेंगे आप, 5 to the power 3 into 5 to the power 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का बेस क्या सेम है अर्थात 5 है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, दैट इज पहले रूट से क्या हो जाएगा 5 बेस लिख देंगे और बाद इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 to the power 5 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई 5 में 8 है काम आ रहा है 5 दूसरे चैप्टर का पहला एक्सरसाइज आरडीएस का सॉल्व करेंगे, आरडीएस का सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन होगा जो भी प्रॉब्लम होगा फंसेगा तो निकल जाएगा, तो आप ग्रुप में उसको क्वेश्चन को लेंगे सेट कर दीजिएगा उसका जवाब आपको सेट कर दिया जाएगा।